हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं अक्टूबर फैक्शन का रिव्यू लेकर आऊंगा। तो फाइनली मैंने ये सीरीज देख लिया और इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। हर एपिसोड के लगभग 36 मिनट से लेके 48 मिनट के बीच में ये, हालांकि 36 मिनट का सिर्फ एक ही एपिसोड है। खैर, इस कहानी के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब हो जाए, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है, तो वो कहावत तब सच साबित हो जाती जब आप ये सीरीज देखोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ एपिसोड है उसमें आपको ऐसे लगेगा हम काफी सबर कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने ये सबर कर लिया तो उसके बाद छठे से लेके दसवें एपिसोड तक आपको ऐसे लगेगा उस सबर का हमको फल मिल रहा है। और बिल्कुल मेरे साथ यही चीज हुई थी, क्योंकि फर्स्ट से लेके पांच एपिसोड देखा था, मैं सोचा यार ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी देख चुका, इसमें नया क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई, छठा एपिसोड जैसे शुरू हुआ, मैं जो जो सोच रहा था वो सारा का सारा ऐसा लग रहा कि यार मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि वाकई में जो चीजें मैंने आज से पहले किसी सीरीज या मूवीज में नहीं देखा वो मुझे इस सीरीज में देखने को मिली है। और इस सीरीज में देखने के बाद यही सोच रहा था यार स्पॉइलर नहीं दूंगा, भाई स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि स्पॉइलर के लिए मैं बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका, इसलिए मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है प्रेसिडो नाम की एक एजेंसी है। बेसिकली उस एजेंसी का काम है कि एक मॉन्स्टर और वैम्पायर्स को पकड़कर मारना। उनके दो एजेंट है, फ्रेड और डेलोरिस, दोनों हस्बैंड वाइफ है। उनके दो ट्विन बच्चे है, विवेन और जेफरी। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर हमको स्टार्टिंग में पांच एपिसोड सिर्फ फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं जिसको फ्रेड और डेलोरिस मारते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मायावी नाम की एक लेडी इनकी जिंदगी में आती है। अब मायावी के आने के बाद इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या कुछ सीक्रेट जो रिवील होते हैं वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज का नाम अक्टूबर फैक्शन क्यों है और ये सीरीज में क्या मुझे अच्छा लगा और ये सीरीज क्यों आप लोगों को देखनी चाहिए और इस सीरीज में ऐसी क्या चीज थी जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, जो इस सीरीज से रिलेट नहीं हो रही थी। खैर, इस सीरीज का नाम अक्टूबर फैक्शन इसलिए है क्योंकि देखिए, ये मेरी पर्सनल थियरी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इसमें इंसिडेंट हुए हैं आपको इस सीरीज अगर आप देखोगे तो डेट और ईयर और मंथ सब बताएगा। तो मुझे बेसिकली ऐसा फील हो रहा है जब भी जो मेन कैरेक्टर्स उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है वो मोस्टली हुआ था अक्टूबर मंथ में। चाहे वो कोई भी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर की जिंदगी में वो ट्विस्ट एंड टर्न आया अक्टूबर ही मंथ में, इसके लिए शायद इस सीरीज का नाम हो सकता है अक्टूबर फिक्शन। अब मैं बताऊंगा इस सीरीज की अच्छी बात। अच्छी बात यह है कि हर एक कैरेक्टर को बहुत ही डिटेल में यहां बताया गया। आपको कोई भी कैरेक्टर को लेकर ये शक नहीं होगा कि ये कैरेक्टर अचानक से कैसे आया या इस कैरेक्टर की जो पास्ट की कहानी वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। और मूवी और सीरीज में यही एक अंतर होता है कि मूवी हमेशा दो या ढाई घंटे या तीन घंटे की होती है तो लोगों को फटाफट दिखाना पड़ता है, लेकिन सीरीज क्या होती है मोस्टली अगर अमेरिकन सीरीज है तो लगभग हर एक एपिसोड आपको 50-50 मिनट के मिलते हैं और 10 एपिसोड तो कॉमन है। तो एपिसोड की लेंथ और एक सीरीज होने के नाते हर एक कैरेक्टर को वो लोग काफी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, जो कि इस सीरीज के साथ होती है। और ये एक हिसाब से प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा वो नेगेटिव पॉइंट क्यों है। अब परफॉर्मेंस की बात करता हूं, इस सीरीज में सारे एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, सब लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। और इस सीरीज के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा, इसका सीजन 2 कब आएगा भाई जल्दी से बता देना, क्योंकि मैं बहुत ही बेसब्री से इसके सीजन 2 का वेट कर रहा हूं। अब मैं इसकी नेगेटिव बात बताता हूं, इस सीरीज की नेगेटिव बात यही है कि इसमें आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ एपिसोड तक काफी स्लो फील होगा, ऐसे लगेगा ये सीरीज हम लोग क्यों देख रहे भाई, इसमें क्या हमको नया देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिव्यू देखने के बाद आप लोग ये गलती ना करो तो बेटर होगा। उसके अलावा इसकी जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो था इसमें जो होमोसेक्सुअलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली, चलिए आपको बताना है आपको प्रमोट करना है सब चीजों को, मुझे पर्सनली उससे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन इस सीरीज से वो कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि बेमतलब की सिचुएशन वहां बताई जा रही थी, जो अगर नहीं भी बताते तो चल जाता था। अदरवाइज ये सीरीज अच्छी है नो डाउट, बस अगर आपके पास इस हफ्ते टाइम है यानी कि आज सैटरडे है तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखना। और कल 26 जनवरी है तो हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे जितने भी मेरे इंडियंस भाई बहन है सबको हैप्पी रिपब्लिक डे हमारे यानी अरहान एंटर की तरफ से, राशिद शेख की तरफ से। तो बस यार मैं इतना ही बोलूंगा, ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी और आपको डाउनलोड करने का एक जरिया बता देता हूँ, ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किए प्ले स्टोर से, वहां पे आप सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई इस सीरीज को अपलोड कर ही दिया होगा वहां पर, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अगर नेटफ्लिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईमानदारी से लीगली देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। खैर, बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो यार मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोग का प्यार और दुआ रहेगी तो हम लोग इंशाल्लाह हमारी जो फैमिली, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ सब्सक्राइबर शो तो नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको बता दें कि 3200 कुछ सब्सक्राइबर्स है भाई के,
मतलब मेरे, खैर अगर आप लोग की दुआ और आपका प्यार रहे तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आप तक की जानकारी, आप लोगों के लिए जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो आप लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तो बस ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना। मैं हूं राशिद शेख, बाय भाईओ, बहनों भी।